जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप प्यार सपोर्ट जो इस चैनल को कर रहे हैं, ये आपका ही चैनल है, आपका दिल से धन्यवाद। और भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आनंद में रखे, बस हमारी यही दुआ है। आज इस वीडियो में थोड़ा सा यूनिक टॉपिक पर बात होगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद पर शर्म आ जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ या ये वीडियो को विषय इसलिए मुझे बनाना अनिवार्य पड़े कि कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बार रिपीट हो रही है, जो मुझसे पूछी जाती और उनका जो समाधान है, हल है, हम उस पर भी आज उस पर बात करेंगे। और समाधान हल के साथ साथ ही ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो तकलीफ दें खुद के लिए भी हैं। और आप चाहे कितने प्रयोग करें, चाहे कितनी भी चीज़ें करें, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी चीज़ में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। हम इस वीडियो में कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए करें ताकि आपको ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दूसरा है कि आप कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय शिव शंभु, हरिहर, भोलेनाथ, आपको जो भी भगवान का नाम लिखना हो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बिना कमेंट्स किए इस वीडियो को आगे ना देखें दोस्तों। प्लीज़ भगवान का कोई ना कोई नाम कमेंट्स जरूर करें। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो शेयर करें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस बात पर कि आप जब भी मंदिर जाते हैं, जब भी ईश्वर के सामने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें मांगना शुरू कर देते हैं कि हे ईश्वर, ये चीज़ें हो जाए या ये चीज़ें हो जाए या ये बातें हो जाए। ये जितनी भी चीज़ें हैं आप ईश्वर से जो भी चीज़ मांग रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि वो तो सबका पालनहार है और अभी तक हम इतने बड़े हुए हैं या यहाँ तक जीवन में आए, उसने हमारी हर एक इच्छाओं का, हर एक आवश्यकता का विशेष ख्याल रखा है। लेकिन उसके बाद भी हम बार बार उन चीज़ों पर खुद को उलझा के रखते हैं, खुद के मानसिकता को हम उस चीज़ पर झोंक देते हैं और हम वो चीज़ें मांगते हैं जो सही नहीं है। मतलब सही नहीं इन द सेंस, सीधी सी बात है कि वो जादूगर है बहुत बड़ा, वो सभी को जिसे जो चीज़ चाहिए वो स्वतः ही उसको मिल जाती है। लेकिन बार बार आप उस चीज़ को मांग कर, बार बार आप उन तमाम नेगेटिविटी में उलझ कर खुद की मन स्थिति, खुद के कर्म और खुद का जो एक स्वतंत्रता है, जो खुद की एक फ्रीडम है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ में उलझे रहेंगे तो अपना दिमाग भी उसी तरफ उलझा रखेंगे। आपको वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपके हिसाब से ज़रूर है कि वो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन वास्तविकता में ईश्वर उसका न्याय करता है कि वो वाकई में आपके लिए ज़रूरी है नहीं। क्योंकि बहुत बार कुछ घटनाएं हमें वर्तमान में तो बहुत गलत लगती है, लेकिन आने वाले भविष्य में वो घटनाएं हमें हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट लगता है। तो ये बात खुद को समझाएं, और हम सिर्फ कर्म की आज़ादी, हमें हम जितने हो सके हमारे सकारात्मक कर्म करें, फ्रीडम के साथ कर्म करें, फल देना उसके हाथ में है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और ईश्वर से केवल कृपा मांगें। हे ईश्वर, कृपा रख।